आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। प्रियंका गांधी ने उड़ई पहुंचकर रोड शो किया। रोड शो के दौरान आई प्रियंका ने पद्मा शाह दरगाह पर चादर चढ़ाया, जिसके बाद वे बजरिया घंटागढ़ शहीद भगत सिंह चौराहे से रोड शो किया गया, जिसमें कि कांग्रेसियों की भीड़ को देखकर विरोधी दल के पसीने छूट गए। कांग्रेसियों द्वारा चौकीदार चोर के जमकर लगाए गए नारे, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रियंका ने मांगे वोट और रथ पर बैठने के लिए पूर्व विधायक विनोद चतुर्वेदी को आगे बुलाया गया। इस रोड शो के दौरान पुलिस की मौजूदगी में बजता रहा डीजे, आदर्श आचार संहिता का होता रहा उल्लंघन। मीडिया से बिना मुखाबित होते हुए वापस रवाना हुई प्रियंका गांधी। इस दौरान रोड शो में आए कुछ कार्यकर्ताओं ने जोश में अपनी जान की परवाह नहीं की और जमकर नारेबाजी करते रहे। वहीं कुछ कार्यकर्ता तो कार की खिड़की के बाहर लटकते हुए प्रचार करते रहे। इस दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जहां एक महिला कार्यकर्ता उल्टा बैनर लेकर रैली में चल रही, जिसमें लिखा था गरीबी पर वार 72,000।